Yes, see her now. Yes, see, यहां पर फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट होता है. आवाज आ रही है ना सब लोगों? Yes, sir. Okay. हाँ सर आ रही है. Okay, see, यहां पर फ्यूल इंजेक्शन ये पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है. ओके यहां पर कुछ 20 डिग्री पहले, टीडीसी के 20 डिग्री पहले इंजेक्शन स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, इंजेक्शन 20 डिग्री पहले स्टार्ट हो रहा है. ओके अब उसके बाद में ये जो 1 से लेके जो 2 है, ओके ये 2, ये जो इतना जो ड्यूरेशन है, ओके इतना ड्यूरेशन लगता है इग्निशन लैग को टू ऑटोमाइज वेपराइज. ओके इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, दैट इज इग्निशन डिले पीरियड. उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज द फिजिकल डिले एंड केमिकल डिले. ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट स्टेज के बाद में आता है हमारा सेकेंड स्टेज. सेकेंड स्टेज 2 से 3 के बीच में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबशन, पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबशन. ठीक है, वंस ये सेकेंड स्टेज. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है यहां से लेके यहां तक. ओके ये सेकेंड स्टेज है इतना. उसके बाद में थर्ड स्टेज आता है पीरियड ऑफ कंट्रोल्ड कंबशन, और फोर्थ स्टेज आता है उसके बाद में हमारा फोर्थ स्टेज हमारा आता है जो है दिस इज द फोर्थ स्टेज दैट इज आफ्टर बर्निंग. ओके तो 4 स्टेजेस है यहां पे. फर्स्ट इज जस्ट अ सेकेंड. यस सी 4 स्टेजेस है. कौन से 4 स्टेज है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेज इग्निशन डिले पीरियड, देन ओके देन कम्स द सेकेंड स्टेज दैट इज द अनकंट्रोल्ड कंबशन, देन कम्स द थर्ड स्टेज दैट इज द कंट्रोल्ड कंबशन, पीरियड ऑफ कंट्रोल्ड कंबशन, एंड देन कम्स आफ्टर बर्निंग. ओके तो 4 स्टेजेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे. ओके तो अब उसमें क्या क्या है देखो, कि सबसे पहले आपका इंजेक्शन स्टार्ट होता है एट 1 पॉइंट. ओके यहाँ पे एक पॉइंट पे इंजेक्शन स्टार्ट हुआ, आपका टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने ही वाला है. 20 डिग्री के आसपास वो टर्न होगा क्रैंकशाफ्ट, तो आपका जो पिस्टन है वो पहुंचने वाला है टॉप डेड सेंटर पे. ठीक है, लेकिन उसके पहले हमने इंजेक्शन स्टार्ट किया. इंजेक्शन स्टार्ट करने के बाद में फ्यूल जो है वो कहां तक स्प्रे हो रहा है? ओके फ्यूल कहां तक स्प्रे हो रहा है हमारा? फ्यूल एक ऊपर वाले जो पॉइंट है, ओके ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ओके ये सेकेंड वाले पॉइंट तक भी हम फ्यूल स्प्रे कर सकते हैं. ओके और ये थर्ड वाले पॉइंट तक भी हम फ्यूल स्प्रे कर सकते हैं. हमारे ऊपर है कि हम कितना पॉइंट तक उसको स्प्रे करें. लेकिन यहां पर देखो नीचे वो देखो ये इंजन में वो यहां से लेके पूरा थर्ड वाले पॉइंट तक फ्यूल को स्प्रे कर रहा है. ये वाले इधर देखो, इधर से लेके इधर तक इंजेक्शन ही हो रहा है. डीजल हमारे जो ये पेट्रोल इंजन था, पेट्रोल इंजन में ऐसा नहीं था, पेट्रोल इंजन में ऐसा नहीं था, फ्यूल इंजेक्ट इतने देर तक नहीं होता था. स्पार्क प्लग एक बार इग्नाइट हो गया अब खत्म, थोड़ी देर के लिए इग्नाइट हुआ उसके बाद में बंद. तो यहाँ पर इतने यानी जब तक प्रेशर एकदम ज्यादा बढ़ नहीं जाता तब तक हमारा फ्यूल स्प्रे हो रहा है इनसाइड द कंबशन चेम्बर. गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो ये जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज तक हमारा फ्यूल जो है क्या होता है, स्प्रे होते रहता है 3 स्टेज कंप्लीट होने तक. तो सबसे पहले फ्यूल इग्निशन स्टार्ट हुआ. ओके फ्यूल इग्निशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है? इंजेक्शन स्टार्ट ये पॉइंट पे लिखा है देखो. और यहां से इग्निशन स्टार्ट हुआ, यहां से यहां तक धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है. ओके दिस इज कॉल्ड इग्निशन डिले. इट इज टेकिंग सम प्रेशर, सॉरी इट इज टेकिंग सम हीट फ्रॉम द एयर. फ्यूल इज टेकिंग सम हीट फ्रॉम द एयर और धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, एटोमाइज हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, वो खुद तैयार हो रहा है जलने के लिए, जलने के लिए तैयार हो रहा है यहां से लेके यहां तक, ये फर्स्ट स्टेज में. और फिर कंबशन जब फर्स्ट टाइनी फ्लेम जो स्टार्ट होती है वो ये पॉइंट पे स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइनी फ्लेम. इसलिए इसको क्या बोल रहा है, वो स्टार्ट ऑफ कंबशन. क्या बोल रहा है? स्टार्ट ऑफ कंबशन. इंजेक्शन स्टार्ट हुआ यहां पर, ओके और स्टार्ट ऑफ कंबशन यहां पर हुआ. कितना टाइम लगा देखो,
कैन यू इमेजिन 0.001 सेकेंड, उससे भी कम हो सकता है, या 0.0017 सेकेंड्स, या 1-2 सेकेंड्स, जितना भी है, जितना भी टाइम लगता है, हाई स्पीड इंजन है, लो स्पीड इंजन है, ओके, तो इतना कम टाइम लगता है, इतने माइन्यूट हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं अभी, ठीक है, इतना माइन्यूट लेवल पे हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वी आर इन अ सिंगल साइकिल. एक सिंगल साइकिल में हम लोग चार पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं, इंजेक्शन प्रोसेस को, स्टेजेस ऑफ बर्निंग, कंबशन को, ओके, कंबशन स्टेजेस को चार पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ओके, और उसको स्टडी कर रहे हैं हम लोग. टाइम कितना कम है, देखो 0.0017 सेकेंड, तो इंजेक्टर का काम कितना बढ़ जाता है, इतने कम टाइम के लिए उसको फ्यूल स्प्रे भी करना है और फिर बंद भी हो जाना है. तो ये स्टडी करेंगे हम लोग इंजेक्टर्स के बारे में बाद में, ठीक है. हमारा जो है नॉकिंग इसके लिए हो गया है, SI के लिए, तो हम लोग, मैं इसलिए डायरेक्टली अभी नॉकिंग के बारे में पढ़ा रहा हूँ, CI का, ठीक है. तो अब उसके बाद में क्या होता है, देखो ये डिले में फिजिकल डिले और केमिकल डिले होता है, दो चीजें हैं, ओके, फिजिकल डिले एंड केमिकल डिले. फिजिकल डिले में क्या है, फ्यूल एटोमाइज होता है, वेपराइज होता है और मिक्स विद एयर होता है, मिक्सिंग होती है सिर्फ, एटोमाइज हो गया, वेपराइज हो गया, उसके अंदर ये फर्स्ट स्टेज में ही केमिकल डिले भी होता है, ओके, फिजिकल डिले के बाद में केमिकल डिले भी होता है, ओके. फिजिकल डिले हो गया, उसके बाद में जो टाइम लगता है टिल द फ्यूल ऑटो इग्नाइट्स, फ्यूल ऑटो इग्नाइट हुआ, वेपराइज हुआ, उसके बाद में कितना टाइम लगेगा बताओ ना. अगर ये पूरा फर्स्ट स्टेज को, फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन को 0.0017 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो उसी पार्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिजिकल डिले एंड केमिकल डिले, फर्स्ट स्टेज को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो बहुत बहुत कम टाइम लगेगा. और उसको डिफरेंशिएट करना, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज को डिफरेंशिएट करना भी बहुत मुश्किल है अकॉर्डिंग टू द बुक, ठीक है. तो ये आप लिख सकते हो आपके आंसर में कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट द फिजिकल डिले एंड केमिकल डिले. तो जब वो वेपराइज हो गया, उसके बाद में जो टाइम लगता है उसको जलने के लिए और फर्स्ट टाइनी फ्लेम अपियर होता है, उसको बोलते हैं केमिकल डिले, ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड प्री फ्लेम रिएक्शंस होते रहते हैं, ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज, जिसके अंदर फिजिकल डिले भी है और केमिकल डिले भी है, केमिकल डिले में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ओके. सेकेंड स्टेज क्या है, पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबशन, ओके. यहाँ पर ये जो सेकेंड स्टेज जो बता रहा है वो है पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबशन. इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर राइज हो रहा है, देखो किधर से किधर तक जा रहा है वो, ये पॉइंट तक, इजंट इट, ये पॉइंट तक है ना, ये डॉटेड लाइन इधर आ रही है और यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेज खत्म हो जा रहा है. दिस इज कॉल्ड व्हाट, पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबशन, ओके. ये इमेज मैंने बुक माथुरन शर्मा से लिया है, ओके. आपको टेकमैक्स में थोड़ा सा अलग दिखेगा और गणेशन में थोड़ा सा अलग भी दिख सकता है, तो जैसा अगर एक स्टैंडर्ड बुक से आप ले रहे हो तो एक स्टैंडर्ड बुक का आप बना सकते हो, टेकमैक्स का अवॉइड करना, ठीक है. तो अनकंट्रोल्ड कंबशन क्या है, ओके. अनकंट्रोल्ड कंबशन में क्या हो रहा है, डिले पीरियड हमारा हो गया, ठीक है, मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर ऑटो इग्नाइट हो गया, सिंस इट इज अबाउट द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, ओके. अभी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हमारा बढ़ चुका है कंबशन चेम्बर में, ठीक है. सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया ना, क्योंकि फ्यूल जो हमने इंजेक्ट किया था वो बर्न होना चालू हो गया है. टाइनी फ्लेम, फर्स्ट टाइनी फ्लेम हमको दिख गया, कौन से पॉइंट पे, ये पॉइंट पे. अब ये सेकेंड स्टेज में भी फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, तो जो भी फ्यूल इंजेक्ट होगा वो थोड़ा सा जल्दी जलेगा, ठीक है. तो जो भी फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है यहाँ पे वो थोड़ा सा जल्दी जलने लग जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग जो भी फ्यूल फेंकेंगे वो क्या होगा, बहुत जल्दी जलना चालू हो जाएगा, ओके. इसमें क्या हो रहा है, फ्लेम इज अपियरिंग एट वन और मोर लोकेशंस, ओके, वेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्यूल एंड एयर मिक्सचर इज मोर, ओके. देखो ये आपका कंबशन चेम्बर है, ये कंबशन चेम्बर में सबसे पहले फ्यूल स्प्रे हुआ, ठीक है. यहाँ पर आपका पिस्टन का टॉप है, अब फ्यूल स्प्रे हुआ, उसके बाद में वो जलना चालू हुआ. अब जो भी फ्यूल अभी ये जल गया, ये इतना फ्यूल जलना चालू हो गया, उसके बाद में जो भी फ्यूल आ रहा है, जहाँ पर भी स्प्रे हो रहा है वो थोड़ा जल्दी जलना चालू होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका है. अब डिले नहीं होगा, जैसे ही आपने डाला वैसे ही वो जलना चालू हो जाएगा, ओके. तो फ्लेम जो है वो आपको दो तीन जगह पे दिखेंगे, यहाँ पर भी दिखेंगे, यहाँ पर भी दिखेंगे, जहाँ पर भी फ्यूल स्प्रे हो रहा है वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बर्निंग चालू हो जाएगी. गेटिंग,
Getting all of you? So mixture is present in the combustion chamber at the time of ignition. Okay. One thing is that it is a heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture है, properly mixed mixture नहीं है. Homogeneous mixture SI engine में होता है. SI engine में क्या होता है? Homogeneous mixture. यहाँ पर क्या है? Heterogeneous mixture है. Properly mixed नहीं है. अभी वो mixing तो चालू हुई है. जो जो air fuel को मिलते जा रहा है, उससे वो heat लेके जलते जा रहा है. तो ये बात याद रखो, CI engine में heterogeneous mixture है और SI engine में homogeneous mixture है. Okay. Next thing. Okay. अब फ्लेम जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको दिखना चालू हो गए. ओके, तो ये फ्लेम जो है आइदर इट विल बी बर्न. ओके, जो हीट उसको कंबशन चेंबर में मिल रही है वहां से बर्न करेंगे वो. ओके, जो भी हीट अवेलेबल है कंबशन चेंबर में उससे बर्न करेंगे, वो बर्न होगा अपने आप. ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि जो फ्लेम प्रोपोगेट हो रही है उससे बर्न हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले से फ्यूल बर्न हुआ था तो वहां से फ्लेम प्रोपोगेट होना चालू होगी. जो जो फ्यूल आते जा रहा है वहां से फ्लेम प्रोपोगेट होना चालू होगी. तो या तो इससे ये फ्लेम जो प्रोपोगेट हो रही है नीचे के डायरेक्शन में, या तो इससे जलेगा, या तो ऑलरेडी जो एयर है वो एयर से हीट लेके ये जो टाइनी फ्लेम से टाइनी स्प्रे ऑफ एयर है वो जलना चालू हो जाएंगे. ओके, अब जो भी डिले पीरियड लगा ना, जो भी डिले पीरियड लगा उसके टाइम पे जो भी फ्यूल एक्यूमुलेट हुआ है यहाँ पर, ओके, वो बहुत रैपिडली बर्न होगा. कुछ तो डिले पीरियड हमारा यहाँ पे लगा ना, ये डिले पीरियड. ओके, ये डिले पीरियड में फ्यूल इंजेक्ट हुआ था. ओके, वो सब इधर बर्न होना चालू हुआ अब यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये टाइम में भी फ्यूल इंजेक्ट ही हो रहा है. तो जो भी फ्यूल एक्यूमुलेट हो चुका है वो बर्न हो रहा है बहुत रैपिड रेट में. ओके, द रेट ऑफ प्रेशर राइज इज वेरी हाई. वो किसके ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ प्रेशर राइज, कि हमने कितना फ्यूल इंजेक्ट किया है और कितना एक्यूमुलेट हुआ है. ठीक है, कितना इंजेक्ट किया है और कितना एक्यूमुलेट हुआ है. कितना इंजेक्ट करेंगे वो हमारे टाइम पे डिपेंडेंट है, कि कितने टाइम के लिए हम जो है उसको ये कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अगर हमने डिले पीरियड ज्यादा रखा, अगर हमने डिले पीरियड ज्यादा रखा तो रेट ऑफ प्रेशर राइज भी बहुत ज्यादा होगा. ओके, तो डिले पीरियड अगर हमारा ज्यादा लग रहा है, ओके, तो क्योंकि तो क्या होगा, फ्यूल एक्यूमुलेट होते जाएगा ना, जल रहा नहीं है. डिले पीरियड ज्यादा है मतलब कि फ्यूल आप इंजेक्ट कर रहे हो लेकिन बहुत टाइम तक वो एक्यूमुलेट होते जा रहा है, जल रहा नहीं है, स्टार्ट ऑफ कंबशन नहीं हुआ है, आपका सेकेंड स्टेज स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो क्या होगा, फ्यूल पूरा बर्न जमा होते जाएगा. तो क्या होगा, देयर विल बी रेट ऑफ प्रेशर राइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्यूल एक साथ जमा हो गया. अब वो बर्न होगा तो बहुत फास्ट बर्न होगा और इस कंबशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. देखो बहुत माइन्यूट पार्ट में मैं बता रहा हूँ स्टेजेस को, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, ये सेकेंड स्टेज को अनकंट्रोल कंबशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक बार जो फ्यूल जमा हो गया ये स्टेज में वो बर्न होगा बहुत रैपिडली, क्योंकि डिले पीरियड अब खत्म हो चुका है. ठीक है, अब हीट उसने इतना ले चुका है कि फर्स्ट टाइनी फ्लेम मिल गया है हमें, तो वो जलाना फास्ट फास्ट चालू करेगा जो भी फ्यूल आ रहा है. ठीक है, तो जो भी फ्यूल एक्यूमुलेट हो रहा है ये डिले पीरियड में और जो भी फ्यूल आ रहा है वो एकदम फास्ट बर्न हो रहा है. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड कंबशन. ओके, उसके बाद में आता है थर्ड स्टेज. ओके, थर्ड स्टेज यहां पे दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक थर्ड स्टेज में थोड़ा सा प्रेशर कम होता है. थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. ओके, क्यों डिक्रीज हो रहा है, व्हाई द प्रेशर इज डिक्रीजिंग, बिकॉज अब क्या हो रहा है, धीरे 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 हम फ्यूल भेज रहे हैं तो वो धीरे धीरे जलते जाएगा. एक बार हमारा जो अनकंट्रोल कंबशन है, जो फ्यूल एक्यूमुलेट हो चुका था बहुत ज्यादा, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, हमारा प्रेशर बहुत ज्यादा राइज हो गया था. अब जो फ्यूल आएगा वो क्या होगा, वो धीरे 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 जलते जाएगा, क्योंकि अब फ्यूल थोड़ा थोड़ा आ रहा है. पहले क्या था, डिले पीरियड की वजह से ज्यादा फ्यूल आ गया था. ठीक है, तो एक बार मैक्सिमम प्रेशर राइज हो गया, उसके बाद में फ्यूल आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए फिर वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा. यहाँ से ये पॉइंट से थर्ड स्टेज में यहाँ तक हम लोग बोल रहे हैं पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन. और ये थर्ड पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट पे हमारा इंजेक्शन खत्म हो जा रहा है. गेटिंग ऑल ऑफ यू, तो जो फ्यूल एक्यूमुलेट हो गया डिले पीरियड में वो बर्न हो गया, वो अनकंट्रोल कंबशन खत्म हो गया,
उसके बाद में टेम्परेचर और प्रेशर जो हमारे कंबशन चेंबर में है वो इतना ज्यादा हाई नहीं होगा, और जो भी फ्यूल उसके बाद में आ रही है ये थर्ड स्टेज में जो स्प्रे हो रही है, इट विल बर्न एज सून एज इट लीव्स द नोजल, है ना, वो और भी फास्ट जल जाएगी, और भी फास्ट जल जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए, सफिशियंट ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो वो बहुत फास्ट जल जाएगी। तो हमारे हाथ में है ये थर्ड स्टेज, इसके लिए उसको बोल रहे कंट्रोल कंबशन, यानी कि अगर थर्ड स्टेज में आपने फ्यूल दिया ही नहीं, थर्ड स्टेज में आपने फ्यूल दिया ही नहीं तो आप ये क्या करोगे, थर्ड स्टेज में फ्यूल नहीं दिया तो यहाँ पे आप जो है अगर समझो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है या जो भी नहीं है तो आप जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो कंबशन को, यहाँ पर आपके हाथ में क्या आप फ्यूल दो या ना दो थर्ड स्टेज में, गेटिंग ऑल ऑफ यू। लेकिन हम लोग ये फर्स्ट स्टेज में जो फ्यूल दे देंगे और सेकेंड स्टेज में जो फ्यूल एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक बार वो अंदर चला गया ना उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ टाइम लग रहा है डीले को, गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड स्टेज में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर राइज हो रहा है या कुछ इश्यूज है तो हम लोग यहाँ पर फ्यूल नहीं भेजेंगे या बहुत कम भेजेंगे, तो जैसा जितना हम लोग भेजेंगे उतने हिसाब से वो बर्न होते जाएगा, तुरंत बर्न होते जाएगा। ओके, नहीं नहीं थर्ड में फ्यूल अगर नहीं देंगे तो वो अनकंट्रोल नहीं होगा, अनकंट्रोल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ना डिले पीरियड है, ये डिले पीरियड के वजह से ना फ्यूल एक्यूमुलेट हो गया, अब वो अपने हिसाब से बर्न होगा और बहुत ज्यादा प्रेशर राइज इधर हो जाएगा, ये प्रेशर राइज एक बार हो गया ना उसके बाद में हमारे हाथ में कि हमें कितना फ्यूल देना है। ओके, तो हमें हम लोग कंट्रोल कर सकते रेट ऑफ प्रेशर राइज को कि हमें कितना देना है, अगर हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्यूल दे रहे हैं अभी भी तो थोड़ा प्रेशर और भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा कम कर रहे हैं जो ज्यादातर हमें कम ही करना है तो क्या होगा, प्रेशर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा, फ्यूल बर्न होगा तुरंत, ये हमारे कंट्रोल में है कि हमने फ्यूल दिया वो तुरंत बर्न होगा, हमारे हाथ से निकला नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज हमारे हाथ में नहीं है, फ्यूल जा रहा है और उधर एक्यूमुलेट हो रहा है और अपने हिसाब से बर्न हो रहा है, वो एक्यूमुलेट हो गया वो अपने हिसाब से बर्न होगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग फ्यूल से स्प्रे करना बंद भी कर सकते हैं लेकिन बंद नहीं करते, हम लोग उसको स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, ज्यादा प्रेशर से भेज सकते हैं या कम प्रेशर से भेज सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था बस। उसके बाद में आफ्टर बर्निंग है, तो थियोरेटिकली यहाँ पर कंबशन जो है खत्म हो चुका है थियोरेटिकली, हाँ लेकिन एक्चुअल में जो प्रेशर है वो क्या होता है, सॉरी बर्निंग जो है वो चलती रहती है, मैंने बताया था यहां से लेके यहां तक, ओके यहां से लेके यहां तक ये फोर्थ स्टेज है, ओके ये फोर्थ स्टेज तक हमारी क्या है, आफ्टर बर्निंग स्टेज है। ओके, तो कंबशन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहां पर जो है कंबशन हमारा कंप्लीट हो चुका है थियोरेटिकली। ओके, तो थियोरेटिकली हमने एज्यूम किया कि हमारा कंबशन जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन फ्यूल जो है बर्न होना खत्म नहीं हुआ है, एक्सपांशन स्ट्रोक में भी। ओके, जब टीडीसी से बीडीसी पे हमारा पिस्टन आ रहा है, ओके पावर स्ट्रोक में, यहां से लेके यहां तक, फिर उसके बाद में यहां से देखो ये पावर स्ट्रोक की ही बात कर रहे हैं हम लोग, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे ही जा रहा है फोर्थ स्टेज में, लेकिन उसके बाद में वापस से जब एक्सपांशन स्ट्रोक होता है, सॉरी जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, यहां से जब एग्जॉस्ट गैसेस जाते रहते हैं तब भी हमारा कंबशन चलते रहता है, तब भी हमारा कंबशन चलते रहता है, फ्यूल बर्न होते रहता है, क्योंकि इतने कम टाइम में ये इतने कम टाइम में हमारा पूरा का पूरा फ्यूल बर्न हो जाए इतने फास्ट, ऐसा कोई इंजन डिजाइन नहीं हुआ कि पूरा का पूरा आप उसको जला के उसको है ना उसका जो कार्बन पार्टिकल्स है उसका लाके दिखाओ, इतना कम टाइम में कार्बन पार्टिकल्स नहीं आएंगे, जला के बोलते ना राख कर देना उसको, वो नहीं होगा, उसको टाइम लगता है, गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक तक हमारा कंबशन चलते रहता है, लेकिन हम लोग क्या ज़ूम कर रहे हैं कि यहाँ पे फोर्थ स्टेज हमारा खत्म हो गया ये पॉइंट पे और हमारा आफ्टर बर्निंग स्टेज खत्म हो गया। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो ये चार स्टेजेस है हमारे कंबशन के, अब ये चार स्टेजेस अगर आपको समझ में आए हैं तो फिर आपको सीआई इंजन में जो नॉकिंग होता है, सीआई इंजन में डिटोनेशन को नॉकिंग हो रहे हैं, जो भी इश्यूज हो रहे हैं यानी हाई प्रेशर राइज एंड डिटोनेशन, ओके एंड यू नो अब नॉर्मल राइज ऑफ प्रेशर
उसको हम लोग यहाँ पे नॉकिंग बोलते हैं, ऐसा इंजन में डिटोनेशन बोल रहे थे, ठीक है। और ये जो कर्व है, ये डॉटेड वाला कर्व मोटरिंग कर्व है, आपको मालूम है अगर फ्यूल इंजेक्ट नहीं होता तो ये कर्व हमारा फॉलो होगा, क्योंकि प्रेशर राइज है तो वो एयर का प्रेशर राइज है तो धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज होगा और ये कर्व फॉलो होगा, ये वाला। ओके, तो दिस इज अ मोटरिंग कर्व। मीटिंग खत्म होने वाली है, फिर से ज्वाइन कर लेना। ओके, आई विल नॉट टेक मच टाइम, जस्ट 5 मिनट्स मोर। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क द डाउट्स, अदरवाइज आई विल नॉट गो अहेड। यही टॉपिक है हमारा।